Hello everybody, welcome back to our channel Ansh Commerce Tech. Today we are going to discuss on a marginal costing and cost volume profit analysis another practicals. तो ये आपका सीरीज नंबर 3 है. तो रेशियो ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट सेल इज अट 60%. क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है इज टू 60% ऑफ सेल एंड ब्रेक इवन पॉइंट एट 80% ऑफ सेल. फिक्स कॉस्ट आपको 2 लाख की अवेलेबल है. फाइंड आउट द सेल कैपेसिटी एंड द सेल एंड द ब्रेक इवन पॉइंट आल्सो डिटरमिन द प्रॉफिट एट 90% 100% सेल कैपेसिटी. तो ये पूछा गया है. स्टेप बाय स्टेप हम वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया था, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल इज 60%. तो उसके हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, तो लेट्स सी. तो यहाँ पे हमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल की, इट मीन सेल जो है आपकी 100 है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज़ है. तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी आई है 40. तो पीवी रेशियो क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100. तो पीवी रेशियो आपका आया 40%. मतलब एक जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वेरिएबल टू सेल, उसकी हेल्प से हम पीवी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पीवी रेशियो आपकी आ गई यहाँ पे 40%. तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा बताया गया है ब्रेक इवन पॉइंट एट 80% ऑफ सेल. तो यहाँ पे ब्रेक इवन वर्ड यूज़ किया, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो. तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको फिक्स कॉस्ट भी अवेलेबल है 2 लाख की. वही वैल्यू यहाँ पे पुट करी, फिक्स कॉस्ट 2 लाख की और पीवी रेशियो अभी आपने फाइंड आउट करी है. तो पीवी रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट आया 5 लाख. तो यहाँ इसी की हेल्प से, ब्रेक इवन की हेल्प से हम सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेक इवन है दैट इज 80% ऑफ द सेल. सेम पॉइंट यही है कि अगर ब्रेक इवन इज अ पार्ट ऑफ द सेल तो सेल हमेशा ज़्यादा होगी. इस वजह से हमने क्या किया, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू 100/80 कर दिया, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल का 80% पार्ट है तो सेल जो होगी वो 100% होगी. तो 100/80, इससे आपकी सेल आ गई 6,25,000. दिस इज ऑन अ 100% कैपेसिटी. तो ये आपकी कैपेसिटी ऑफ सेल भी आ गई 6,25,000. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है कि आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, मतलब और एट अ 90, बट कैपेसिटी चेंज करनी है 90% और 100% कैपेसिटी दोनों पे. तो ये जो सेल फाइंड आउट हुई है ये 100% कैपेसिटी पे फाइंड आउट हुई है. तो इस वजह से हम जो प्रॉफिट है पहले 100% कैपेसिटी पे फाइंड आउट करते हैं. तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी यही बताया था सीरीज 1-2 में, कि जो आपने प्रॉफिट वगैरह या वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल सेल निकालने, तो आपको यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज़ करना है. तो टोटल सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि हमें पूछा भी प्रॉफिट ही गया है. तो 100% कैपेसिटी पे सेल अभी आपने फाइंड आउट करी 6,25,000. वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में हमें बताया था कि सेल का 60% है, तो वही मैंने यूज़ कर लिया. 6,25,000 की सेल थी, उसका 60% किया तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई. और फिक्स कॉस्ट फिर से आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है 2 लाख की, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट करी और सॉर्ट आउट किया, तो आपका प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 50,000 आ गया. नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपने प्रॉफिट ढूंढना है एट अ 90% कैपेसिटी. तो सिंपल फॉर्मूला पूछा तो प्रॉफिट ही है, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. बट यहाँ पे जो सेल लेनी है वो 90% कैपेसिटी पे लेनी है. तो आप चेक कर सकते हो कि 6,25,000 का मैंने 90% कर दिया, तो सेल आ गई 5,62,500. तो वेरिएबल कॉस्ट तो 60% ही है सेल की, तो सेल अगर ये है तो उसका वेरिएबल 60% हो जाएगा. ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स तो फिक्स रहेगी और सॉर्ट आउट करने के बाद आपकी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आया 25,000. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू.